बिस्मिल्लाह सर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है और ये क्वेश्चन कह रहे हैं जनाब, एट द एंड ऑफ 2000 एंटिटी के टेस्ट अ प्लांट फॉर इम्पेयरमेंट। द प्लांट इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। ये हमारे लिए एक रेलिवेंट बात है कि प्लांट क्या है, लेकिन बस आप प्लांट की इम्पेयरमेंट देख रहे हो। द प्लांट्स एसेट्स आर कैरिड एट डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिक कॉस्ट, यानी हम इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं। द प्लांट एट अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 3000 विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है जी। तो सर मैं सबसे पहले देखता हूँ जनाब, मेरे पास इस प्लांट का कैरिंग अमाउंट कॉस्ट नहीं है, प्लीज ये दिमाग में रखिएगा। 3000 इसकी लाइफ है 10 साल। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है जनाब, द प्लांट्स रिकवरेबल अमाउंट दैट इज हायर वैल्यू इन यूज एंड फेयर लेस कॉस्ट टू सेल इज डिटरमाइन द बेसिस वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। इसका मतलब हम सिर्फ वैल्यू इन यूज निकालते हैं, हम बाकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं निकालते, और वैल्यू इन यूज को ही हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है। और सर हम वैल्यू यूज कैलकुलेट करते हैं 14% के रेट से। देखिए आज 2000 का एंड है, कैरिंग अमाउंट मुझे दी हुई है। द मैनेजमेंट हैज अप्रूव्ड बजट्स एंड द बजट्स अप्रूव्ड बजट्स रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग एट द एंड ऑफ 2003, यानी 3 साल बाद द प्लांट विल बी रिस्ट्रक्चर्ड। देखें वो सारी रिस्ट्रक्चरिंग जो आपको फ्यूचर में करनी है, जिसके लिए आप कमिटेड नहीं हो, ठीक है ना, जिसके लिए आप अभी तक कमिटेड नहीं हो, ऐसी कमिटमेंट जिससे आप पीछे ना हट सको, 2003 के एंड पे आपने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो 2003 के एंड पे जब रिस्ट्रक्चरिंग करोगे तब उसका हिसाब किताब देखना। करंटली आप इसका प्रोविजन नहीं बना सकते क्योंकि कंडीशन इसकी पूरी नहीं है, और एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्लांट की परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी आप अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, आप प्लांट को भी उसी के स्टेटस में लोगे। जब आप रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनाओगे तब आप प्लांट को रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से लेके चलना। बाजू का रिस्ट्रक्चरिंग करने से प्लांट की कैश फ्लोज इंप्रूव हो जाते हैं क्योंकि लॉस मेकिंग डिविजन बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर कह रहे जनाब, सिंस द कंपनी इज नॉट कमिटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द प्रोविजन हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग। देयर विल बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस रिस्ट्रक्चरिंग द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज। ठीक है जी। ये होगा तब देखा जाएगा। एट द एंड ऑफ 2003 यानी 2 साल बाद कंपनी ने वाकई प्रोविजन बना लिया, कमिट हो गई। तो जब प्रोविजन बना लिया, कमिटमेंट हो गई, तो अब आप रिवाइज कैश फ्लोज को वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने के लिए लेंगे। ठीक है जी। और फिर वो कह रहा है डिस्काउंट रेट तब्दील नहीं हो। मेरे सामने दो सेट्स ऑफ कैश फ्लो थे, एक है रिस्ट्रक्चरिंग से पहले, दूसरा रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। तो सर मैं रिस्ट्रक्चरिंग से पहले वाला कैश फ्लो पहले ले रहा हूं क्योंकि मैं आज देख रहा हूं तो मेरे पास 10 साल बाकी है सर। तो मैं सर ले रहा हूं ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जी। मुझे कैश फ्लो मेरे पास आ रहे हैं सर 300, 280, 400, 300, 280, 400, 520, 350, 420, 420, 480, 460, 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 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480, 460, 480,
14% के इंटरेस्ट रेट से मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, और मैं अगर सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ तो ये मेरे पास बनता है सर 2039। इसका मतलब है अपेरेंटली मेरे पास वैल्यू इन यूज जो कि इफेक्टिवली मेरा रिकवरेबल अमाउंट है वो निकला है सर 2039, और ये एसेट इम्पेयर्ड है दिस माइनस दिस से। तो मैंने 2000 के एंड में एक इम्पेयरमेंट बुक की 961 की। अच्छा, इसके बाद सर मेरे पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ रहा है सर कोई 2039। अब बताएं, 2 साल गुजार लिए मैंने सर, इसमें 2 सालों का मैं डेप्रिसिएशन बुक करूंगा, 10 साल की लाइफ है, 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद ये वैल्यू रहेगी 1631। तो मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के ये एसेट किसी भी पॉइंट पे इम्पेयर नहीं होता तो वुड हैव बीन कैरिंग अमाउंट हमारे पास क्या होता सर 3000, और इस पर डेप्रिसिएशन निकलता 3000 का, और सर मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट एक्सेप्टेबल थी। सर 2 साल बाद सर जब मैंने रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बना लिया तो अब मैं कैश फ्लोज रिवाइज करूंगा, और मैं 8 साल के कैश फ्लोज की बेसिस पर अब डिसाइड करूंगा, और मेरे पास जो कैश फ्लोज रिवाइज हुए वो हैं 420, 570, 380, 450, 510, 510, 480 और
410, और अगर मैं सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाऊं तो ये आ रही है सर 363 एंड सारी चीज़ें, तो सर मेरे पास ये आ रहा है जनाब 2163। इसका मतलब मैं अपने बॉन्ड को एसेट को 2163 तक लेके जाना चाह रहा हूँ। तो सर अगर मैं उसको 2163 तक लेके जाऊँ तो क्या मुझे अलाउड है ले जाना? हाँ सर अलाउड है, मैं 2400 तक लेके जा सकता हूँ, वो वैल्यू जो एसेट की होती है अगर एसेट इम्पेयर्ड नहीं होता। तो सर मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट जो कि वैल्यू न्यूज़ है वो रखूँ तो सर मेरे पास वो आ रही है 2163 रिवाइज होने के बाद। इसका मतलब है सर मैं इम्पेयरमेंट रिवर्स करने जा रहा हूँ 2002 के एंड पे कोई 531 रुपीज़ का। थैंक यू जी। एक चीज़ और उसमें हम देख लेंगे सर, हमारे पास कैरिंग अमाउंट ईयर 2000 के एंड पे 2039, सर 2001 के एंड पे 2002 के एंड पे, ठीक है जी, और आगे के सालों में सर ये अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट होता रहेगा। ठीक है जी, बस याद रखना कि आप 2400 से कभी ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है जी सर, एक और सवाल हम देखते हैं जो इफेक्टिवली सेंड आउट का हमारा अपना बनाया हुआ आखिरी क्वेश्चन होगा। सर इसी तरह सर हमारे पास एट द एंड ऑफ 2000 एक मशीन है हमारे पास जिसकी कैरिंग अमाउंट 1.5 लाख रुपए है और इसकी लाइफ 10 साल है। ठीक है जी, तो मैं कैरिंग अमाउंट ले रहा हूँ सर 1.5 लाख रुपए और हमारे पास एसेट की लाइफ 10 साल है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मैं इसके रिकवरेबल अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ। तो सर मुझे बता रहा है कि मशीन का वैल्यू न्यूज रिकवरेबल अमाउंट है, 14% का रेट होगा और मैनेजमेंट का बजट ये बता रहा है कि कंपनी को करंट कंडीशन में 2004 तक चलाना है हमने और 2004 में हम जाके फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, फ्यूचर जो है वो ओवरऑलिंग कॉस्ट इनकर करेंगे। अभी नहीं, फ्यूचर ओवरऑलिंग कॉस्ट कब इनकर करनी है हमने? आज से ठीक 4 साल के बाद। तो सर याद रखिए इस ओवरऑलिंग कॉस्ट का हम कोई इम्पैक्ट नहीं लेंगे वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करते हुए। आज जब हम ये कॉस्ट इनकर कर देंगे तब हम उसका इम्पैक्ट लेना शुरू करेंगे, तब हम उससे रिलेटेड इनफ्लोज भी लेना शुरू करेंगे। और हमने रिस्ट्रक्चरिंग करनी है 2004 के एंड पे जाके। सर पहले तो आप एक काम करें, 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, पहले तो आप नॉर्मल लेके चल रहे हैं सर बगैर रिस्ट्रक्चरिंग के। मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट क्या बन रहा है सर? प्रेजेंट वैल्यू, सर ये मेरे पास वो कैश फ्लो एक्सपेक्टेड हैं जो बगैर रिस्ट्रक्चरिंग के, इग्नोर करके टोटल हो, मुझे इग्नोर भी करना चाहिए क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग अभी हुई नहीं और होनी भी 4 साल बाद है। तो सर मैंने सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली तो मुझे पता चला जी मशीन का रिकवरेबल अमाउंट 1.5 लाख से सिग्निफिकेंटली कम है, तो मुझे इम्पेयरमेंट बुक करना है। सर रिकवरेबल अमाउंट मेरे बच्चों मेरे पास है क्या? वैल्यू इन यूज, ठीक है जी, और अगर मैं देखूं तो वो 1,21,128 है। इसका मतलब है सर मेरे पास इम्पेयरमेंट आ रहा है 1.5 लाख माइनस 1,21,128, ठीक है जी। इम्पेयरमेंट मैंने बुक किया होगा 2000 के एंड पे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर मेरे पास रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है? 121, और सर मुझे अब 4 साल के इस पर डेप्रिसिएशन बुक करना है। तो सर ये डेप्रिसिएशन बुक करने के बाद मेरे पास ये बच जाएगी कैरिंग अमाउंट कब? CA एट 2004 एंड। अब 2004 के एंड पे मैंने फिर क्या किया होगा इस पे सर? कैपिटलाइज किया होगा कॉस्ट को,
और वो कॉस्ट मैंने कैपिटलाइज किया सर 25,000, इससे मेरा कैरिंग अमाउंट बढ़ के क्या हो गया सर, ये हो गया 97,677। अब बताएं सर, अगर मैं इस एसेट को कभी भी इम्पेयर नहीं करता, वुड हैव बीन सीए, ये होती सर हमारे पास 1.5 लाख, ठीक है जी, और इस पर हम डेप्रिसिएशन बुक कर दे डिवाइडेड बाय 10 × 4, सर ये हमारे पास वैल्यू होती 90,000 सीए होता, और फिर इसमें मैं क्या करता सर, कैपिटलाइजेशन करता, खर्चा और करने के बाद इसको खर्चा और होने के बाद सर मैं इसको अगर देखूं तो मेरे पास 1,15,000 की वो वैल्यू आती जो होती है अगर ये एसेट कभी इम्पेयर नहीं होता। अब चूंकि ओवरऑल इनका आपने कर दी है और सर 2004 का एंड है, तो इसका मतलब टोटल 6 साल बाकी है, मैं रिवाइज कैश फ्लोज लूँ और उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखूँ तो मेरे पास सर रिवाइज कैश फ्लोज में जो डाटा आ रहा है वो अब इस तरह के 30, 321, 32,750, 31,751, 33,100 और 27,999, ठीक है जी। सर इसको भी मैं 14% से डिस्काउंट कर रहा हूँ और अब मुझे नज़र आ रहा है कि सर ये जो हमारे पास एसेट है इसकी रिकवरेबल अमाउंट सिग्निफिकेंटली ऊपर चला गई, इनफैक्ट रिकवरेबल अमाउंट उस वैल्यू से भी ऊपर चली गई जो इम्पेयरमेंट के बगैर होती। तो मैक्सिमम जो मैं इस एसेट को लेके जा सकता हूँ ना, मैक्सिमम कैपिंग यार ये सर मैक्सिमम कैपिंग 1,15,000 तक, तो इसका मतलब है मैक्सिमम रिवर्सल कितना पॉसिबल है, ठीक है जी। और सर ये मेरे पास मैक्सिमम रिवर्सल है जो पॉसिबल है, मैं सारा अमाउंट रिवर्स नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट एट ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 मेरे पास सर कैरिंग अमाउंट यहाँ था 1.5 लाख के बाद 1,21,128। सर ये डेप्रिशिएट होते होते ये मेरे पास आ गया था सर कोई 79 मेरे पास पड़ा हुआ था कुछ 72,677 का। अब सर मेरे पास इसके बाद ये जा चुका है कोई 1,15,000 रुपये पे, ठीक है जी। मैक्सिमम रिवर्सल 17,323 पॉसिबल था, जबकि वैल्यू न्यूज़ ये बता रही थी कि आप जा सकते हो 1,22,000 तक, लेकिन हमने वहाँ तक जाना नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।